आज हम सीखने वाले हैं कि जिन आउटलेट या तहसील डिस्ट्रीब्यूटर के सिक्योरिटी मनी तो डिपॉजिट हो गए हैं लेकिन वो खोले नहीं गए, तो वो सिक्योरिटी मनी वापस कैसे मिलेगा, ये आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक लेटर लिखना है कंपनी को, ये आपको एक सादे कागज़ पर लिख के देना है कि आपने जो सिक्योरिटी मनी है वो क्यों डाली कंपनी में जब आपको स्टोर नहीं खोलना था, तो या कोई दिक्कत आपको हो गई है तो वो आप उसमें मेंशन कर दो कि अब मुझे रिफंड चाहिए। सेकंड, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है, जिसने भी जो पार्टी ने पेमेंट किया है सिक्योरिटी उसका आपको देना है सब चीज़। पैन कार्ड चाहिए उसका, नहीं है तो कोई बात नहीं है। पासबुक का फ्रंट पेज जहाँ पे उसको पैसे चाहिए ना, जिस खाते में चाहिए, उसका डिटेल देना है। अगर आपने जो ट्रांजेक्शन किया था वो कैश था तो दोस्तों वो आपको जो नोटरी पब्लिक से जो अटेस्टेड होता है स्टाम्प पेपर 10 या 20 या 50 जो भी अवेलेबल है उस पर लिख के देना है कि इस डेट को मैंने इस बैंक खाते में इतने रुपए डाले थे और ये आपका मोबाइल नंबर है, डिटेल वगैरह। और भविष्य में अगर इस पेमेंट पे कोई क्लेम होता है तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ ताकि फ्रॉड ना हो सके, जिसका पेमेंट है उसी को पैसा वापस मिले, इसलिए ये एक डॉक्यूमेंट होता है, तो ये आपको देना पड़ेगा। ओरिजिनल जो कैश रिसीट था वो है तो वो तो हो ही आपके पास, वो भी देना है। अब दोस्तों, अगर ये तो कैश था तब की बात है, अगर आपने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र किया है तो वहाँ तो आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है वहाँ सब कुछ दिखा देता है, तो वो अलोन ही सफिशियंट प्रूफ है कि आपने ट्रांसफ़र किया है। वो आप उसका स्क्रीनशॉट या पिक्चर स्टेटमेंट का क्लिक करके आप भेज सकते हो। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर और जो रसीद पेमेंट की वो मिली थी तो ठीक है, नहीं तो आपका स्टेटमेंट है तो वहाँ तो दिखाई देगा अपने आप। तो दोस्तों, ये सब आपको बड़ा सर इजी है, बड़ा ही इजी प्रोसेस है, 4-5 चीज़ें हैं, ये आपको भेजना है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट किस तरह से होना चाहिए। इस पार्टी ने जो पेमेंट किया था वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया था, तो जो स्टेटमेंट है वहाँ पे दिखाई दे रहा है सब चीज़ कि इस डेट को इतना पैसा गया, तो ये अपने आप में प्रूफ है। सेकंड डॉक्यूमेंट अपना जो जो एड्रेस प्रूफ वगैरह है वो, थर्ड पैन कार्ड हो गया, फोर्थ आपका ये रिक्वेस्ट लेटर, इसमें लिखा हुआ है जो भी किस रीज़न से मैंने जमा कराया था वगैरह वगैरह नहीं हो पाया। तो ऐसे करके आपको बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ये आपको कंपनी ने मेल करना है। मेल करना है कंपनी को sales@imcbusiness पे। मेल जैसे करोगे आप, जो प्रोसेसिंग टाइम कंपनी का है उस टाइम के अंदर आपका रिफंड आपको आपके दिए गए अकाउंट में वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, जिन भी आउटलेट जो पेंडिंग आउटलेट है नहीं हुए, उनका आप इस तरीके से सिक्योरिटी मनी वापस ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।